आप देख रहे हैं है एस डी एम न्यूज़ मयूर यादव अंसारी इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इतिहास शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज मैं ये वीडियो मस्जिद भवन आघाड़ी के सरबरा प्रकाश अम्बेडकर साहब के नाम बना रहा हूँ कि हमने दो रोज़ पहले मीडिया के माध्यम से देखा है पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी आदिवासी लोग गैरन ज़मीन के ऊपर वो अपनी खेती करते थे वहाँ रहते थे कई सालों साल से लेकिन उनको अधिकार नहीं था दो रोज़ पहले मुंबई में जो एक बहुत बड़ा मोर्चा निकला धरना आंदोलन हुआ उसको देख के सरकार ने हमने देखा है कि उनकी मांगों को माना है तो एक बहुत बड़ी बात है कि जो कई सालों से जो आदिवासी समाज बिछड़ा समाज जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था तो उनको अपने ज़मीन उनके नाम पे होने वाली है यहाँ पर विशेष बात यह है कि गायरन ज़मीन जो कि सरकार की ज़मीन होती है एक कानूनी हिसाब से लेकिन कई सालों से वो वहाँ पर रह रहे थे आदिवासी लोग दलित समाज के लोग गरीब लोग बुद्धिस्ट लोग और जो भी बिछड़े जाति के लोग हैं तो वो कोई रह रहा था कोई खेती कर रहा था आखिरकार एक कानून के ज़रिए से जो कानून बना हुआ था उसके अंतर्गत उनको आज उनको बहुत बड़ी जीत मिली और प्रकाश अम्बेडकर साहब ने एक को बहुत बड़ी कामयाबी मिली उसको आज लेके पूरे मतलब जनता में व्हाट्सअप पे फेसबुक पे और कई लोगों में जो राजनीतिक लोग हैं उनमें चर्चाएं चल रही है कि पूरे महाराष्ट्र में मराठवाड़े में औरंगाबाद और और ज़िले में वक्फ बोर्ड की भी कई ज़मीनात है जो जिसपे कब्जे है बहुत सी बातें हैं जो पड़ी हुई है लेकिन ग़रीब मुसलमानों कुछ काम में नहीं आ रही हैं उसको एक तरह से उलझा के रख दिया गया था कि भाई इसमें नहीं आती उसमें नहीं आती ये मंशा वक्त में नहीं आता उसमें नहीं आता एक टेक्निकल मसलों में जैसे तो कानून के दायरे में उसको ऐसा उलझा के रखा गया कि एक आम गरीब मुसलमानों को उसका सीधे सीधे तौर पर फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है ये कड़वा सच है इसकी जाँच भी करा सकते हैं और एक अलग तरीके से कानून बिठा के क्या क्या चल रहा है वो सबको मालूम है तो यही आज मुसलमानों में ज़्यादातर चर्चा है कि काश अगर प्रकाश अम्बेडकर साहब पूरे मराठवाड़े में पूरे महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की ज़मीन के लिए और उस पर मुसलमानों की मतलब विकास के लिए अगर कोई अभियान चलाते हैं तो यकीन और तो से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने वो काम कर दिखाया है जिसको हम समझते हैं एक सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा कि एक मामूली बात नहीं है कि शासकीय ज़मीन पर गैरन ज़मीन के ऊपर मतलब जो गरीब लोग जो कई सालों से मतलब बैठे हुए थे खेती बाड़ी कर रहे थे उनकी झुपड़ छोटी मोटी बसी हुई थी वो रह रहे थे मेहनत मजदूरी करके कैसे भी जी रहे थे और आज भी जी रहे हैं तो उनको आज हम समझते हैं कि कहने के ये कुछ समय बाद जो है तो उनको ज़मीन का अधिकार मिल जाएगा वो ज़मीन के मालक बन जाएंगे और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर मुसलमानों का कब्जा नहीं है बल्कि कुछ और लोग उस पर हैं जो कानून कायदे से मतलब बैठे हुए हैं कानून कायदे के सहारा लेके बैठे हुए हैं ये भी कड़वा सच है आखिर क्या कारण है कि कई लोगों के पास पॉलिटिकल लोगों के पास वक्त की ज़मीन आते तो कौन से कानून से गए हुए हैं ये एक सवाल है आखिर वो गरीब मुसलमान मुसलमानों के पास क्यों वो ज़मीन जाती नहीं है क्यों बैठते नहीं आज से गारन जमीन पर आज लोग नारा लगाते हैं जो सरकारी वो हमारी है ये हमने कई धरनों में मोर्चों में कई नेताओं के भाषण को सुना है और जब बम्बई में जो इससे पहले धरना आंदोलन हुआ उसमें भी सुना है कि जो सरकारी वो हमारी है एक बहुत बड़ी बात है आज ये हाल है सूरत हाल है कि वक्फ वोट की ज़मीन आज ग़रीब मुसलमान ये नहीं कह सकता कि जो वक्फ की वो हमारी है ये एक मुसलमानों की एक बहुत बड़ी सियासी नाकामी है उनकी बेबसी है हाय अफसोस के ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है और आज आजकल जो मुस्लिम लीडरशिप है महाराष्ट्र में हम देखते हैं अलग अलग सभी पार्टियों की उनमें भी इतनी ताकत नहीं बची है कि वो वफ़ के जरिए से मुसलमानों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा सके उनमें ताकत ही नहीं है ये कड़वा सच है आज का सबूत ये है कि अगर हम पिछले हम वक्फ़ बोर्ड के कामकाज पर नज़र डालें तो आपको उसका सबूत भी मिल जाएगा तो सवाल ये फिर कौन है मसीह मुसलमानों का आज मुसलमान लीडरशिप का इतना बुरा हाल है अगर मैं औरंगाबाद ज़िले की बात करूँ तो देखिए कि वक्फ़ के, के ज़मीनाथ थे लेकिन गरीब मुसलमान आज भी जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर हज़ारों की संख्या में अगर ज़िले में जोड़ लिया जाए तो हज़ारों की संख्या में आज किराए से रहने पर मजबूर है उनको जो है तो मतलब घर नहीं है और वो बेचारे कैसे भी बेचारे मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी बसर कर रहे हैं लेकिन उनका को कोई पुरसान हाल नहीं है कोई आंकड़े नहीं है ऐसे निकल के आ रहे हैं कि भाई इतने बेघर है इतने ये है इतने वह है बस सिर्फ राजनीति चल रही है और बहुत कुछ होगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना पर थोड़ा वो धरने आंदोलन हो जाते हैं कुछ बात हो जाती है उसके बाद मामला टाई टाई फिश फिर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था किसको पता किसको नहीं मालूम ये भी कड़ी भी सच्चाई है ताज पूरे महाराष्ट्र में हम समझते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर साहब एक ऐसा चेहरा है मुसलमानों की उम्मीद का एक ऐसा चेहरा है क्यों क्योंकि उन्होंने जो हमने देखा है जब संभाजी नगर और औरंगज़ेबल्ला की जो एक नाम का विवाद चल रहा था जो सारी बात आपको सबको पता है मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा तो पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नज़रें मुसलमानों की जो है तो प्रकाश अम्बेडकर साहब की तरफ थी कि जब वो मुकदस पाक सरजमीन खुदलाबाद की तरफ रवा दवा थे और कई मतलब उन्होंने मंदिरों को भी दौरा किया दरगाह शरीफ का दौरा किया और रहमत लाला के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं गुलादत पेश करते हैं और उसके बाद जब बाहर आते हैं जब पत्रकारों से बातचीत करते हैं तो जो बेबाक तरीके से और हक पर और सच्चाई पर जो इतिहास के पर जो लिखा हुआ है जो इतिहास है उसके आधार पे बात करते हैं तो हम समझते हैं कि इतनी बड़ी ज़रूरत और इतनी बड़ी हिम्मत शायद कोई मुसलमान लीडर आज के पीरियड में नहीं कर सकता शायद आपने पहले किया होगा बोला होगा कलक शक्ल है लेकिन आज नहीं कर सकता आज हम समझते हैं कि मुसलमान लीडर भी शायद अपने सियासी हालात को देखते हुए अब दोबारा औरंगज़ेब रहमत खबर पर उनकी मजार शरीफ पर जाने को कतरा है क्योंकि कुछ न कुछ भी आरोप लग रहे हैं कुछ भी बातचीत हो रही है तो ऐसे हालात में मतलब मुसलमान भी क्या करे बहरहाल प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बता दिया है कि सच में अगर वो मतलब कोई मुसलमानों की अगर कोई ठोस नुमाइंदगी कर सकता है तो वो प्रकाश अम्बेडकर साहब कर सकते हैं कड़वा सच है क्योंकि औरंगज़ेब रहमत लिखे मजार शरीफ पर जाके उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मैं वो नेता हूँ मैं, मैं वो मैं वो मैं वो लीडर हूँ जो हक बात करता हूँ सच बात करता हूँ इतिहास को सामने रख के बात करता हूँ मैं किससे डरता नहीं हूँ और एक बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने सरकार के सामने खड़ी की है बहुत बड़ी बात है तो हम समझते हैं कि अब एक ही रास्ता है कि एक महाराष्ट्र में दलित समाज और मुस्लिम समाज अगर ये दोनों वोट बैंक नज़दीक आता है तो महाराष्ट्र में कई आमदार चुन के आ सकते हैं कई खादा चुन के आ सकते हैं ये प्रकाश अम्बेडकर साहब में ताकत है तो उम्मीद करते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर साहब इस मुसलमानों की जो अंदर की मन की बात है शायद ये आपको अभी सुनने को सुनाई ना दे लेकिन आने वाले चंद दिनों के बाद या दो चंद हफ़्तों के बाद ये आपको सुनाई देंगी तो मैं तमाम वंचित बहुजन आगाड़ी के जो मुस्लिम जो लीडर है कार्यकर्ता है बड़े बड़े फारूक अहमद साहब है जलीस अहमद साहब है और दिगर जो ज़िम्मेदार हैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आपने इससे पहले वफफ के मसायल को उठाया है इसमें कोई बात नहीं है कोई शक की शक शुभा भी नहीं है लेकिन आपसे गुजारिश है कि जैसा प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो तो आदिवासी गरीबों वंचितों के लिए जो कर बताया है महाराष्ट्र में कि सरकार उनके आगे झुकी है सरकार ने उनकी बात को माना है ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है लोकशाही माध्यम से बहुत बड़ी बात है आज मुसलमानों में चर्चे अगर प्रकाश अम्बेडकर साहब वक्फ बोर्ड का बीड़ा उठा लेते हैं तो हम समझते हैं कि ये मतलब प्रकाश अम्बेडकर साहब का मुसलमानों पर सबसे एक अजीम एहसान होगा क्योंकि आज पूरे मराठवाड़े में और पूरे महाराष्ट्र में कोई मुस्लिम नेता ऐसा नहीं बचा है कि वो उस पर मोमेंट लेके चले जो अभियान लेके चले और लेके भी चलता है तो उसको सिवाय हाय नाकामी के उसके कुछ हाथ में आता नहीं है ये भी एक इंतहाई कड़वा सच है और इसका सबसे बड़ा सबूत अगर हम अगर औरंगाबाद शहर के ऊपर ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर तो यहाँ के मुसलमान तीन खबरस्तान की मांग साल दो साल तीन साल से कर रहे हैं लेकिन उनको मरने के लिए गढ़ने के लिए जगह भी जल्दी नसीब नहीं हो रही है और उनके निवेदन ये वो सब ज़िला कलेक्टर के ऑफिस में मौजूद है वर्क बोर्ड में मौजूद है नेताओं के पास मौजूद है कई उन्होंने धरने आंदोलन किए लेकिन वो खबरस्तान की ज़मीन लेने के लिए मोहताज है दो यहाँ पर औरंगाबाद शहर के अंदर दो ईदगाह की ज़रूरत है आबादी के अतबार से अब उसके पर भी किसका ध्यान नहीं है जबकि ज़मीन मौजूद है एक्ट मौजूद है कानून मौजूद है कायदे मौजूद है मुसलमान मौजूद है हर चीज़ मौजूद है लेकिन उसके ऊपर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है तो उम्मीद करते हैं प्रकाश अम्बेडकर साहब जो है तो मुसलमानों के एक बहुत बड़े मसीहा बन सकते हैं साहब हमने देखा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो हिंदुस्तान के एक जिन्होंने दस्तूर को लिखा है संविधान को लिखा है संविधान के निर्माता इसे कहा जाता है उन्होंने वंचित हो दलित हो बसी हो तो, जो बेबस लोग हैं कमज़ोर लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कानून है प्रावधान करके गए हैं एक ऐसा कानून बना गया है कि आज उनके कानून के बदौलत संविधान के बदौलत गरीब से गरीब आज सम्मान से जी रहा है आज के तारीख़ में क्योंकि पचहत्तर साल हो गए आज़ादी के होके भारत को देखे आज की तारीख में अगर मुसलमानों को भी एक ऐसे अम्बेडकर की ज़रूरत है जो उनके लिए मसीह साबित हो जाए तो हम समझते हैं कि महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर साहब मुसलमानों के एक दूसरे अम्बेडकर साबित हो सकते हैं एक अंबेडकर जैसा आज दलित समाज मती समाज गर्व से कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब हमारे हैं मुस्लिम समाज भी कहता है लेकिन आज कोई लड़ने वाला उन्होंने लड़ के चले गए हैं लेकिन आज मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई ऐसा अम्बेडकर नहीं है और हम समझते अम्बेडकर है वो आपकी शक्ल में है तो प्रकाश अम्बेडकर साहब अगर आगे बढ़ते हैं मुसलमानों के जो सुलगते हुए वह मसाइल है अगर उसके ऊपर आप लब्बैक कहते हैं आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानेंगे कि आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन है लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम समाज का विश्वास आप पे बढ़ेगा मुस्लिम समाज आपके साथ खड़े रहेगा आपके साथ चलने पे गर्व महसूस करेगा क्योंकि आपने खुलदाबा शरीफ़ में औरंगजेब रहमत आल मुजार शरीफ में जाकर एक पैगाम दिया है कि मैं एक सच्चा पक्का नेता हूँ जो सच है उसको कहता हूँ उसको बोलता हूँ और उसकी राह पर चलता हूँ ये आपने करके बताया है राज जो है तो देख रहे हैं कैसी राजनीति चल रही है तो उम्मीद करते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर साहब से एक दरखास्त है क्योंकि मुसलमानों में चर्चाएँ चल रही हैं कि जब प्रकाश अम्बेडकर साहब सरकारी ज़मीन जो है तो गरीबों को दिला सकते हैं तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुसल गरीब मुसलमानों को क्यों नहीं मिल सकती है उनका विकास क्यों नहीं हो सकता है ये मुस्लिम समाज के अंदर आज चर्चाएँ हैं और इसके ऊपर कोई एक खदावर नेता बहुत ताकतवर नेता आज पूरे महाराष्ट्र में मराठवाड़े में मौजूद नहीं है है नहीं है ये बात पक्की है एक प्रकाश अम्बेडकर साहब है कि जब जब बोलते हैं तो उनकी बात पत्थर की लगीर साबित होती है और उनकी बात से उनके काम से आज कई देखने में आ रहा है तो उम्मीद करते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर साहब वक्फ बोर्ड की ज़मीनत को लेकर और मुसलमानों के विकास को लेकर और और भी उनकी अन्य समस्याएं अगर साहब आप उठाते हैं दलितों को साथ लेकर और मुसलमानों को साथ लेकर तो महाराष्ट्र के अंदर एक नई राजनीति एक नई सियासी करवट ले सकती है और ये कड़वा सच है लेकिन आज मुसलमान ये भी देख रहा है कि कोई तो हमारे लिए प्रैक्टिकल तौर से आगे बढ़े अब तक तो खाली पेपरों में आता था भाषण होते थे स्टेज पर बातें होती थी और टाई टाई फिश होती थी लेकिन आपसे साहब गुजारिश है कि जैसा आपने मुंबई पे मोर्चा लेकर है एक मोर्चा वक्फ बोर्ड के ऊपर आप मुंबई के अंदर मुसलमानों को लेकर चल जाइए और मुसलमानों को कोई इंसाफ दिलाने की कोशिश कीजिए यकीन मानिए और भी मसायल हैं उनके खाली वक् बोर्ड के मसाल नहीं मौनाजा फाइनेंस के मसाल हैं और भी मसाल है उम्मीद करते हैं यार ये काम प्रकाश अम्बेडकर साहब बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि उसमें इतना क्षमता है इतनी दम है कि पूछने की बात नहीं ये पूरा महाराष्ट्र आज देख रहा है तो उम्मीद करते हैं प्रकाश अम्बेडकर साहब मुसलमानों की इस परेशानियों के ऊपर जैसा आपने दलित समाज की आवाज़ उठाई है आदिवासी उठाई है तो आपसे गुजारिश साहब कि मुसलमानों की आवाज़ को आप बनी आप आवाज़ उठा रहे लेकिन जैसा जुनून से आपने वहाँ पर लेके गए हैं भरी बरसात में तूफ़ानी बरसात में आपने अधिकार को एक जंग जीता है वैसे अगर वक वोट के ऊपर आप मुसलमानों को लेकर एक बड़ा एक आंदोलन खड़ा करते हैं लोकशाही माध्यम से यकीन मानेंगे कि आज मुसलमान सिर्फ़ अपने साथ होने वाली नान का जो है तो इंसाफ़ चाहता है विकास चाहता है तो उम्मीद करते हैं कि प्रकाश मिडा साहब इस सदा को अब हल्के में ना लें कि एक चैनल वाला है एक मीडिया वाला है कह रहा होगा ऐसी बात नहीं है साहब आप सर्वे कर सकते हैं आज मुसलमान आपकी तरफ बहुत आस भरी निगाह से देख रहा है उम्मीद करते हैं प्रकाश अम्बेडकर साहब तमाम जो वंशित बहुजनगर के जिम्मेदार हैं मुसलमानों की दर्द को इस परेशानी को आप महसूस करेंगे और इनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है जय हिंद जय जाह महाराष्ट्र